केमिस्ट्री में एक यूनिक एलिमेंट है कार्बन, कार्बन जिसका सिंबल सी होता है, एटॉमिक नंबर 6 होता है और ये एक नॉन मेटल है। कार्बन के एलोट्रॉप्स डायमंड एंड ग्रेफाइट होते हैं। कार्बन में एक यूनिक प्रॉपर्टी होती है कैटिनेशन, जिसके कारण वो बहुत सारे दूसरे कार्बन एटम से कंबाइन हो करके लॉन्ग चेन बना लेता है, अलग अलग ब्रांच्ड या अनब्रांच्ड चेन्स बनाने की स्पेशलिटी रखता है। इसी के कारण केमिस्ट्री की एक नई ब्रांच बनी जिसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहा जाता है। इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं। कार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव्स को ऑर्गेनिक कंपाउंड कहा जाता है। कार्बन और उससे बनी हुई चीज़ें जैसे लिविंग सोर्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन एंड ऑयल्स एंड फेट, ये सारे लिविंग सोर्सेस होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के। कुछ नॉन लिविंग सोर्सेस जैसे कोल, पेट्रोलियम एंड गैस, ये सारे के सारे नॉन लिविंग सोर्सेस हैं जो कि कार्बन के रूप में पाए जाते हैं। कार्बन का सबसे प्योरेस्ट फॉर्म होता है कोल। क्लासिफिकेशन हम इसका देखेंगे आज कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्लासिफिकेशन हम कैसे करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव, कार्बन और उसके डेरिवेटिव्स को ऑर्गेनिक कंपाउंड कहा जाता है। इन्हें दो पार्ट में क्लासिफाई किया जाता है। फर्स्ट होते हैं ओपन चैन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, या इनको कहा जाता है एसाइक्लिक ओपन चैन और एसाइक्लिक कंपाउंड्स। और सेकंड होते हैं क्लोज चैन या साइक्लिक कंपाउंड्स, मतलब ऐसे कंपाउंड्स जिसमें कार्बन और कार्बन की जो चेन होती है वो ओपन होती है, मतलब कार्बन सिंपली सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होता है और इसकी जो सिंगल चैन होती है वो ओपन होती है, कार्बन अपने चारों वैलेंसी के साथ इस टाइप से जुड़ा हुआ होता है। और क्लोज कंपाउंड में कार्बन की जो स्ट्रक्चर होता है वो एक साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है, इसलिए इन कंपाउंड्स को साइक्लिक कंपाउंड कहा जाता है। कार्बन की चार वैलेंसी शो करना इम्पॉर्टेंट होता है। अब हम देखेंगे ओपन चैन या एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स, तो इसको क्लासिफाई किया गया है। एक मेन इसका पार्ट है जो कि कहलाता है हाइड्रोकार्बन। उसके नाम से क्लियर है, कंपाउंड्स दैट कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन, ऐसे कंपाउंड्स जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन होता है उन कंपाउंड्स को कहा जाता है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन को मेन टू पार्ट्स में क्लासिफाई किया जाता है। इसके दो पार्ट में क्लासिफाई किया जाता है। फर्स्ट होते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड सेकंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब सैचुरेटेड का मतलब क्या होता है? सैचुरेटेड मतलब ऐसे कंपाउंड्स जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है वो कहलाता है सैचुरेटेड कंपाउंड्स हाइड्रोकार्बन के। और जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में या तो डबल बॉन्ड हो या कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो वो कंपाउंड्स कहलाते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स विच हैव सिंगल बॉन्ड बिटवीन टू कार्बन्स एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन विच हैव डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन टू कार्बन एटम्स। जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उन्हें कहा जाता है एल्केन्स, इसे कहा जाता है एल्केन। एल्केन जो होती है वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होती है। और जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, जिसमें पहला तो डबल बॉन्ड होगा और दूसरा सिंगल बॉन्ड होगा। तो डबल बॉन्ड वाली जो होती है वो होती है एल्कीन, एल्कीन एंड एल्काइन्स, एल्कीन एंड एल्काइन। तो जो एल्कीन होती है, एल्केन का सिंपल या कॉमन फॉर्मूला है CnH2n+2, इससे इसको बनाया जा सकता है। एल्कीन के लिए कॉमन फॉर्मूला यूज करते हैं जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो वो एल्कीन होती है, और कॉमन फॉर्मूला होता है CnH2n, ये इसका कॉमन फॉर्मूला है जिससे हम पूरी सीरीज बना सकते हैं। कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन जिसमें हो वो एल्काइन्स होती है, और इसमें कॉमन फॉर्मूला होता है CnH2n-2। तो ये जो है ये हाइड्रोकार्बन के तीन पार्ट है,
एल्केन, एल्किन एंड एल्काइंस। ऑर्गेनिक कंपाउंड में तीनों बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हमें एल्किन सीरीज बनानी आनी चाहिए, एल्किन सीरीज बनानी आनी चाहिए और एल्काइंस। इनको बनाने की मैं बहुत ही सिंपल ट्रिक आपको बताऊंगी जिससे आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। अब हम देखते हैं क्लोज चैन कंपाउंड्स। क्लोज चैन कंपाउंड्स जो होते हैं जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में क्लोज स्ट्रक्चर बना होता है, एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बना होता है, ये दो टाइप के होते हैं। इनका फर्स्ट टाइप होता है होमोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक, और सेकेंड होता है हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक एंड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। होमोसाइक्लिक का मतलब होता है जिसमें सेम, होमो मतलब सेम होता है, तो सेम सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन हो या सेम ग्रुप हो वो होमोसाइक्लिक होते हैं। और हेट्रोसाइक्लिक में कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, ये सब भी हो सकते हैं। तो इनको कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा अगर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर होते हैं तो वो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स को दो पार्ट में क्लासिफाई किया जाता है। इसका फर्स्ट पार्ट होता है एलिफेटिक या एसाइक्लिक। एलिफेटिक, एलिफेटिक कंपाउंड्स, और सेकंड होते हैं एरोमेटिक। सेकंड कहलाते हैं एरोमेटिक, एलिफेटिक एंड एरोमेटिक। एलिफेटिक जो होती है, एलिफेटिक्स में रिंग, रिंग बनाते हैं ये, क्योंकि ये साइक्लिक है, रिंग विथ सिंगल बॉन्ड। जो रिंग होती है उसमें सिंगल बॉन्ड होता है। और एरोमेटिक की स्पेशलिटी है कि रिंग जो है उसमें अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड होते हैं। डबल बॉन्ड, सिंगल एंड अल्टरनेट डबल बॉन्ड होते हैं, एक सिंगल बॉन्ड होगा एक डबल बॉन्ड होगा, तो उनको कहा जाता है एरोमेटिक। आप इसका स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं। तो जो एलिफेटिक होते हैं उसमें जैसे CH2 सिंगल बॉन्ड होगा इसमें पूरा, CH2 CH2, यहां भी हम एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बना लेंगे इसका। तो इस टाइप से ये जो स्ट्रक्चर हमने बनाया हुआ है ये स्ट्रक्चर कहलाता है हेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन, क्योंकि इसमें छह कार्बन है और छह कार्बन जो है वो एक साइक्लिक स्ट्रक्चर में सिंगल बॉन्ड से बने हुए हैं, तो ये साइक्लोहेक्सेन कहलाता है। इसी टाइप से जब हम एरोमेटिक कंपाउंड बनाएंगे, एरोमेटिक कंपाउंड का मतलब होता है ऐसे कंपाउंड जिसमें स्पेशल स्मेल होती है, अरोमा या स्पेशल स्मेल वाले जो कंपाउंड्स होते हैं वो कहलाते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स। इसमें भी हम छह कार्बन बना लेंगे, इस टाइप से छह कार्बन हम यहाँ पे बना लेंगे। और इसमें स्पेशल चीज है कि एक सिंगल बॉन्ड होगा तो एक डबल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड, फिर एक डबल बॉन्ड, और फिर मतलब अल्टरनेट जो होंगे सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स पाए जाते हैं। तो इस टाइप से बना हुआ जो कंपाउंड होता है वो कहलाता है बेंजीन। बेंजीन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट होता है और ये एरोमेटिक केमिस्ट्री को बनाता है। इसमें एरोमेटिक कंपाउंड्स इसमें बनते हैं पूरे, तो बेंजीन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लास्ट हमारा है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड मतलब हमने पढ़ा था कि कार्बन और हाइड्रोजन के साथ अगर सल्फर या कोई और हो तो उसे हेट्रोसाइक्लिक कहा जाता है। तो इसमें इसका एग्जाम्पल है CH डबल बॉन्ड CH CH। अब इसके साथ अगर कोई दूसरा जुड़ जाता है तो यहां पर सल्फर जोड़ सकते हैं हम, नाइट्रोजन जोड़ सकते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर जिसमें सल्फर जुड़ जाए तो इसका नाम हो जाता है थायोफीन। इस टाइप से ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम पूरा क्लासिफाई कर सकते हैं। अब हम एल्किन, एल्किन एंड एल्काइन को सीरीज बनाना सीखेंगे। उनकी सीरीज कैसे बनाई जाती है ये सीखेंगे। इनकी सीरीज बनाने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एल्क क्या होता है। एल्क,
एल्क और उसकी काउंटिंग, सब में एल्क लगा हुआ है और उसकी जो काउंटिंग है उसको हमें बनाना सीखना है। तो यहाँ पर एल्क का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन्स, कार्बन कितने हैं उसको एल्क कहा जाता है। अगर हमारे पास वन कार्बन है तो हम उसे कहेंगे मैथ, वन कार्बन को कहा जाता है मेथ। टू कार्बन है तो वो कहलाएगा एथ। थ्री कार्बन को प्रोप कहा जाता है। फोर कार्बन को ब्यूट। फाइव कार्बन को पेंट। सिक्स कार्बन को हैक्स। सेवन कार्बन को हैप्ट। एट कार्बन को ऑक्ट। नाइन कार्बन को नोन एंड टेन कार्बन को डेक। मतलब ये जो पूरी एल्क की सीरीज है आपको वन से टेन तक एटलीस्ट याद होनी चाहिए पूरे एल्क के नाम, मेथ, एथ, प्रोब, ब्यूट, पेंट, हैक्स, हैप्ट, ऑक्ट, नोन एंड डिक, ये आपको पूरा याद होना चाहिए। और फिर अगर आपको ये याद है तो आप बहुत आसानी से एल्केन, एल्किन एंड एल्काइंस बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे एल्केन। एल्केन बनाने के लिए एल्केन ये इसका नाम है, और एल्केन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं एल्क, मतलब हमने जो ये सीरीज बनाई हुई है एल्क प्लस इसमें हम जोड़ देते हैं ए एन ई, मतलब हमने जो ये एल्क की सीरीज लिखी है उसमें हमें उनके नाम के साथ में ए एन ई जोड़ देना है, तो पूरी सीरीज बन जाएगी एल्केन की। और इसका कॉमन फॉर्मूला हमने अभी देखा था, कॉमन फॉर्मूला होता है सी एन एच टू एन प्लस टू। इस कॉमन फॉर्मूले से ये पूरी होमोलोगस सीरीज हमारे पास बन जाएगी। तो हमें N इक्वल, यहाँ पे जो N है, N का मतलब है N इक्वल है हमारे पास 1 टू 10। हम N की वैल्यू 1 से 10 तक रखेंगे। तो हम सबसे पहले N की वैल्यू रख लेते हैं 1, C, और N की वैल्यू हमने रख ली 1, सी एन एच टू इंटू 1 प्लस 2, तो हमारे पास आ जाएगा सी एच 4। इसको हम सी एच 4 लिख देंगे डायरेक्ट। और सी एच 4 लिखने के बाद 1 कार्बन मतलब होता है मेथ, तो हम इसमें लिखेंगे मेथ और इसमें लगा देंगे ए एन ई, तो ये बन जाएगा मिथेन। इसी टाइप से सी टू एच टू इंटू टू फोर प्लस टू इंटू टू प्लस टू, तो हमारे पास आ जाएगा सी टू एच सिक्स, ये बन जाएगा सी टू एच सिक्स, और इसको हम लिखेंगे इथेन। फिर हम बना लेंगे नेक्स्ट, डायरेक्ट मैं लिख रही हूं सी थ्री एच एट, ये थर्ड हमारा होगा, इसी फॉर्मूले को यूज करके हम बना लेंगे सी थ्री एच एट। इसका नाम हो जाएगा प्रोप प्लस ए एन ई, प्रोपेन। फिर इस टाइप से हम बना लेंगे सी फोर एच टेन ब्यूट प्लस ए एन ई, ब्यूटेन, और बन जाएगा सी फाइव एच ट्वेल्व, पेंटेन। इस टाइप से आप 1 से लेकर के 10 तक पूरी वैल्यू रख सकते हैं और आसानी से एल्केन की पूरी सीरीज बना सकते हैं। इसकी सीरीज आप पूरी बना के और ट्राई जरूर करें कि किस टाइप से ये पूरी सीरीज बनेगी। सेकेंड हमारी है एल्कीन, सेम ट्रिक यूज करेंगे हम यहां पे भी, हम उसको भी लिखेंगे एल्क प्लस ई एन ई, एल्कीन बन जाएगा। और इसका कॉमन फॉर्मूला होता है सी एन एच टू एन, ये कॉमन फॉर्मूला हमने अभी पढ़ा है इसका, सी एन एच टू एन। यहां भी सेम एन की वैल्यू 1 से लेकर के 10 है, लेकिन आपको यहां पे एक चीज याद रखना है कि जब हम एल्कीन बोलते हैं तो हम लिखते हैं कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए, तो एटलीस्ट 2 कार्बन हमारे पास होने चाहिए तभी हम एल्कीन सीरीज को बना सकते हैं। तो यहां पे हम एन की वैल्यू 1 न रखकर हम स्टार्ट करते हैं एन की वैल्यू 2 रख के, तो डायरेक्ट हम रख देते हैं यहां पे एन की वैल्यू सी टू एच टू इंटू टू हो जाएगा 4, और ये बन जाएगा 2 कार्बन को हम बोलते हैं ईथ, 2 कार्बन को ईथ कहा जाता है, तो यहां पे हम लगाएंगे एथ धन ई एन ई, इथीन, इथीन यहां पे ये बन जाएगा। फिर ऐसे ही सी थ्री एच सिक्स, ये बन जाएगा प्रोपीन। सी फोर एच एट, ये बन जाएगा ब्यूटीन। तो इस टाइप से आप एल्किन की भी पूरी सीरीज बना सकते हैं, सिर्फ आपको सिंपल सी वैल्यूज रखना है और पूरी सीरीज बन जाएगी। नेक्स्ट हमारा है एल्काइन। एल्काइन बनाने के लिए सेम एक ही मेथड हम यूज करेंगे, इसका भी होगा कि ये बनेगा एल्क प्लस
वाई एन ई, यहाँ पे हम लगाएंगे एल के प्लस वाई एन ई, और इसका फॉर्मूला होता है सी एन एच टू एन माइनस टू, सी एन एच टू एन माइनस टू इसका फॉर्मूला होता है, ये कॉमन फॉर्मूला होता है। और इसमें भी हमें एक बात याद रखनी है कि जब हम एल्काइन बनाते हैं तो कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, तो ये ट्रिपल बॉन्ड होने के कारण हम यहाँ पे भी पहला कार्बन नहीं लेंगे। और इसको बनाने के लिए हम फर्स्ट लिखेंगे, पहला हमारा बन जाएगा सी टू ही लेंगे हम यहाँ पे भी, सी टू एच टू इंटू टू फोर माइनस टू मतलब टू, सी टू एच टू, और ये बन जाएगा इथाइन, इसको एसिटिलीन भी कहा जाता है, इथाइन बन जाएगा। अब यहाँ पे सी थ्री एच फोर, ये हो जाएगा प्रोपाइन। तो इस टाइप से आप पूरी एल्केन एल्किन और एल्काइन की सीरीज बहुत आसानी से बना सकते हैं और इसको आसानी से पढ़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।